राम को काल्पनिक कहा जा रहा है, रामायण जलाई जा रही, हमारे शास्त्रों पर उंगलियां उठाई जा रही है, ये कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, करने का रीजन क्या है, ये हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, हमारे धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, ये षड्यंत्र है। और आप चाहते हो हम उनके गीत गाएंगे, आप चाहते हो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, हम नहीं होंगे। धर्म रक्षते रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा हम उसकी रक्षा करेंगे, हम उसकी बात गाएंगे, हम उसके लिए गाएंगे। आप आइए हमारे साथ, मंदिर बनवाइए कृष्ण भूमि का, हम आपके साथ खड़े होंगे, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं। दुख की बात है कि सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने में हमें हिचक होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार, हमारे भारतीय जो सनातनियों के मंदिर हैं, सरकार के अंडर किसने किए, किसने किए? हमारे माथे से तिलक, गले में से कंठी किसने हटवाई? आज भी कॉन्वेंट स्कूलों में चले जाएं तो हमारे बच्चे तिलक नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? कंठी नहीं पहन सकते, कलावा नहीं बांध सकते, क्यों नहीं बांध सकते? हम भारत में रहते हैं और संविधान इसका हमें राइट देता है। तो ये मेरा आप सबसे कहना था। और एक आप सबको बात बता दें, 25 तारीख को सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक विशाल सनातन संत संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम महामंडलेश्वर, जगतगुरु, इवन शंकराचार्य भगवान और तमाम कथाकार धर्म प्रचारक 25 तारीख को पड़पड़गंज रामलीला महोत्सव ग्राउंड, उत्सव ग्राउंड में यह आयोजन प्रारंभ हो रहा है 18 से और 25 तक ये चलेगा। और इसमें एक लक्ष्य है, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति। जैसे भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तरीके से भव्य दिव्य मंदिर मथुरा में भी निर्माण हो, और उतने ही जो सनातनी गौरवान्वित हुए अयोध्या में, वैसे ही गौरवान्वित हो काशी में भी, वैसे ही गौरवान्वित हो मथुरा में। तो इसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हम जमुना जी से, मथुरा से, विश्राम घाट से जमुना जल लेकर आए कलशों में, क्योंकि दिल्ली में कथा होगी पर कनेक्शन मथुरा का होना चाहिए, क्योंकि हम मथुरा के लिए, जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मथुरा विश्राम घाट से जमुना जल लाएंगे और कृष्ण जन्मभूमि से श्रीमद् भागवत का महापुराण को लेकर आएंगे, कृष्ण जन्मभूमि से भागवत महापुराण की पूजा करके वहां से लाएंगे और यहां पर आकर वो भागवत, हम लोग सभी सनातनी हम भागवत कहेंगे और सनातनी सभी भागवत सुनेंगे। और एकमात्र संकल्प होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी रामलला की तरह मुक्त हों और मथुरा में भी भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसी प्रार्थना हम यहाँ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए करेंगे। और हम आप सब दिल्ली में जो हमें सुन रहे हैं, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, जो भी सच्चे सनातनी सुन रहे हैं, आप सबसे भी मेरा आग्रह है, हम लोग शनिवार रविवार जाकर बिहारी जी को बुक कर देते हैं, इतना बिजी कर देते हैं बिहारी जी को ये दिल्ली एनसीआर वाले लोग कि वहां गाड़ी की पार्किंग छोड़ो, रिक्शा की भी पार्किंग की जगह नहीं मिलती। आप सबसे मेरा आग्रह है, अपने कृष्ण से पूजा कर प्रेम करना गलत नहीं है, उनके लिए हम जाते हैं, पर इस बार हमें इतनी बड़ी संख्या में भागवत कथा सुननी है संकल्प के साथ, और संकल्प एक ही होगा, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति। जो अधिक्रमण कर रखा है वहां हमारे भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर, वो अधिक्रमण वहां से हम मुक्ति चाहते हैं और वहां भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जितने भी हमारे मीडिया के मेरे प्रिय बंधु पधारे हैं, आप सबका स्वागत है। आप लोग बहुत कम समय में ही, पहले समय भी चेंज हुआ, उसके लिए भी हम आपके धन्यवाद के बाद आपको धन्यवाद देंगे कि आपने हमारी बात को सुना और समझा। कारण होते ही रहते हैं जिसके कारण टाइम चेंज हुआ, फिर भी आप समय पे पहुंचे। अब मैं ये कहूँगा मैं ही लेट था, आपने, आप सबका धन्यवाद है आपके पधारने पर। विषय इतना जरूरी था जिसके कारण मुझे आप सभी को बुलाना पड़ा। विषय है भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो गया है, और भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद, जब मंदिर निर्माण हुआ तो उसके बाद एक प्रश्न उठा, अब इसके बाद क्या? ये देश
सनातनियों का देश है। इस देश में हमेशा से सनातन परंपराओं का आवाहन निर्वाहन सम्मान किया गया और उसी परंपराओं का निर्वाहन करते हुए हम लोगों ने हमेशा से आजादी के बाद भी हमारे पूर्वजों ने भी हमने भी शास्त्रों के साथ साथ संविधान का भी सम्मान किया। हम शास्त्रों का भी सम्मान करते हैं, हम संविधान का भी सम्मान करते हैं और संविधान के चलते हुए हम लोगों को भगवान श्री राम का मंदिर मिला, कोर्ट के माध्यम से मिला। सबसे बड़ा साधुवाद हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को देंगे जो सनातनी तो है ही पर उन्हें सनातनी दिखने में भी कोई संकोच नहीं होता। उन्होंने जितना सम्मान सनातनियों का किया है, जो आदर सनातनियों को पहुंचाया है, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने यह सम्मान नहीं पहुंचाया। और ये कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं, हम सबको मालूम है 75 साल से हमारे पूर्वज आजादी के बाद भी 500 साल के कलंक को धो रहे हैं हम लोग अभी भी। और इतना सब कुछ आजाद होने के बावजूद भी हमें राम मंदिर नहीं मिला, परंतु अब जाकर हमें राम मंदिर प्राप्त हुआ है। तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे सनातनी 100 करोड़ सनातनी मोदी जी का आभार धन्यवाद बोलते हैं कहते हैं, जिससे उन्होंने सनातनियों के सम्मान को इतना आगे बढ़ाया कि उन्हें राम मंदिर तक प्राप्त करा दिया। ये उसके लिए सारे सनातनी आभार व्यक्त करते हैं। अब हम धर्म गुरु हैं, हमें समाज ने प्रवचन कथा करने का अवसर दिया है, तो अगर हम कह रहे हैं तो 100 करोड़ सनातनी सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं। और ये हमारा ही वक्तव्य नहीं, तमाम धर्माचार्यों का ही वक्तव्य है। दूसरी बात, जब राम मंदिर बना सब लोग वहां गए तो कुछ लोगों ने संतों को, कथाकारों को, प्रवचनकारों को बीजेपी का प्रवक्ता कहा, और प्रवक्ता ही नहीं कहा, आजकल की भाषा में कहे तो एजेंट कहा। ये बीजेपी के एजेंट काहे के लिए एजेंट है, हम किस बात के एजेंट है बीजेपी के, किस बात से आप हमको कह रहे हो? हम लोग राम की पूजा करते हैं, हम लोग शिव की पूजा करते हैं, हम लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। अगर हम राम कृष्ण शिव की पूजा करते हैं और जो हमारे कार्य को आगे बढ़ाएगा, हम उसकी बात नहीं कहेंगे? हम किसकी बात कहेंगे? जो पीर पैगंबरों के आगे जाके माथा टेकते हैं उनकी बात करेंगे क्या हम लोग? हम लोग मौलवी नहीं है, हम लोग कथाकार हैं, हम लोग संत हैं, हम लोग महात्मा हैं, हम लोग प्रवचनकार हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम लोग सरकार के बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो अभी तो सरकार ने सिर्फ राम मंदिर ही दिया है, अभी तो सरकार ने सिर्फ राम मंदिर दिया है ना। हम तो तीन की बात करते हैं, मथुरा की और काशी की। तो काशी में भी चिन्ह मिल गए, आओ हमारे साथ। तो काशी में विश्वनाथ का मंदिर बनवाने में मैं सभी दलों को, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी को, और भी जितने भी पार्टी के दल के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उन सब को मैं एक निमंत्रण देता हूं आप चैनलों, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, कि अब हम 18 फरवरी से 25 फरवरी तक एक बहुत विशाल आयोजन करने जा रहे हैं, और वो आयोजन होगा कृष्ण जन्म मुक्ति के लिए, कृष्ण भूमि की मुक्ति हो, काशी में विश्वनाथ का मंदिर बने। और जो लोग कहते हैं कि हम लोग बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन सभी पार्टियों के लोगों को, अध्यक्षों को हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि पंडाल फ्री, पब्लिक फ्री, माइक फ्री, आपको चवन्नी भर नहीं लगानी, आप वहां आइए और अपने विचार व्यक्त कीजिए और आप बताइए कि आप वहां आकर हमारे सनातन धर्म को कृष्ण भूमि में मंदिर बनने के लिए, काशी में विश्वनाथ का मंदिर बनने के लिए और सनातनी बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए
आप हमारा क्या सहयोग करेंगे? अगर आप हमारा सहयोग करेंगे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण में, अगर आप हमारा सहयोग करेंगे काशी विश्वनाथ में, अगर आप हमारा सहयोग करेंगे बहन बेटियों को बचाने में कि उनकी हत्या ना हो, उनके 36 टुकड़े ना हो, अगर आप इसमें हमारी सहायता करेंगे तो हम भी आपके गीत गाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो राम का काम करेगा हम उसके गीत गाएंगे। आप कर लो हमारा, और निमंत्रण है, आप सब आए। 18 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक ये आपको अवसर है। सभी पार्टियों के लोगों को मेरा खुला निमंत्रण है, जिनके नाम नहीं भी लिए उनके भी, कईयों के मैं नाम लिए, कईयों के मैं नाम नहीं लिए, उन सबको निमंत्रण है कि आप सब पधारें। एक और बात, हमारे आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद क्या हो रहा है, हमारे सनातन को HIV कहा जा रहा है, राम को काल्पनिक कहा जा रहा है, रामायण जलाई जा रही है, हमारे शास्त्रों पर उंगलियां उठाई जा रही है, ये कौन कर रहा है?